नवीन कमल लिखते हैं, किसी के हाथ में पत्थर, किसी की उंगलियां मरहम, किसी के हाथ का गुड़ भी बहुत कड़वा निकलता है, और जहां से दो कदम अंधा कुआं है, दो कदम जन्नत, वहीं से दो कदम पर इश्क का रास्ता निकलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जीके फर्स्ट पेपर के लिए जो हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं शैक्षिक प्रबंधन यानी कि एजुकेशनल मैनेजमेंट के अंदर। उसके अंदर आज हम टेस्ट लेंगे संस्थागत नियोजन, पांचवा जो बिंदु है वहाँ से। मैं हूँ आपका दोस्त आदि गणेश। वीडियो को आपको लाइक करना और सभी को शेयर करना है ताकि बाकी लोगों को भी मदद हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, विद्यालय से संबंधित परिचयात्मक सूचनाएँ विद्यालय योजना के किस खंड में प्रस्तुत की जाती है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? सही उत्तर है ए, प्रथम खंड में। प्रश्न बोलने के बाद में वीडियो रोक के विकल्प अच्छे से पढ़ लें, फिर अपना उत्तर चुन के आप मूल्यांकन करें इसमें। दूसरा प्रश्न है, सर्वप्रथम विद्यालय योजना की अभिशंसा किसने की थी? सही उत्तर है ए, मुदालियर आयोग ने। तीसरा है, विद्यालय योजना की मूल्यांकन रिपोर्ट किसे भेजी जाती है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को, जिला शिक्षा अधिकारी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा या सचिव माध्यमिक शिक्षा को? सही उत्तर है इसके अंदर बी, जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाती है। अगला प्रश्न है, विद्यालय योजना के तीसरे खंड में विद्यालय से संबंधित कौन सी सूचनाएँ प्रस्तुत की जाती है? सही उत्तर है ए, तीसरे खंड के अंदर वर्तमान सत्र के जितने भी कार्यक्रम अनुसार योजना है उनके शीर्षकों को उनसे जुड़ी हुई सूचनाएं प्रस्तुत की जाती है। पांचवा प्रश्न है, विद्यालय योजना प्रतिवर्ष किस तिथि तक जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित कर दी जानी चाहिए? सही उत्तर है सी, 15 मई तक। छठा प्रश्न है, संस्थागत नियोजन में महत्व दिया जाता है, किसको महत्व दिया जाता है? सही उत्तर है सी, दोनों को। दोनों कौन? ए विकल्प में है, उपलब्ध संसाधनों को, जो भी संसाधन उपलब्ध है उनको महत्व दिया जाता है संस्थागत नियोजन में, और संस्था के उद्देश्यों को। सातवां प्रश्न है, प्रभावी पर्यवेक्षण योजना कौन से क्षेत्र से संबंधित है? सही उत्तर है बी, सह शैक्षिक क्षेत्र से संबंधित है। आठवां प्रश्न है, पाठ्यक्रम विभाजन निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण विद्यालय योजना के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? शैक्षिक क्षेत्र, सह शैक्षिक क्षेत्र, भौतिक क्षेत्र या विविध क्षेत्र? सही उत्तर है ए, शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ये सभी। अगला प्रश्न, नियोजन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्रबंधक भविष्य को देखता है तथा उपलब्ध साधनों से कार्य के विभिन्न विकल्पों की खोज करता है, ये परिभाषा किसकी है? सही उत्तर है ए, मेसी की है ये परिभाषा। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दें और सभी को शेयर कर दें। अगला प्रश्न है, संस्थागत योजना का स्वरूप है, कक्षा अनुसार योजना, विषय अनुसार योजना, अध्यापक अनुसार योजना या सभी? सही उत्तर है डी, सभी। ग्यारहवां प्रश्न है, शिक्षा विभाग राजस्थान के निर्देशानुसार विद्यालय योजना को कितने खंडों में विभाजित करना चाहिए? सही उत्तर है बी, 3 खंडों में। बारहवां प्रश्न है, एसेंशियल ऑफ एजुकेशन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर वी आर लूना, एस के मोती, जॉर्ज या ए वे बी, दोनों? तो इसके अंदर अपना सही उत्तर है डी, ए वे बी दोनों,
इसके लेखक डॉक्टर वी आर लूना और एस के मोती, ये दोनों इसके लेखक हैं। तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, संस्थागत नियोजन की विशेषता है। इसके अंदर अपना सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी है जो संस्थागत नियोजन की विशेषताएं, सहकारी प्रवृत्ति, अधिकतम उपयोगिता का उद्देश्य, उद्देश्यों व लक्ष्यों का पूर्ण निर्धारण, पूर्व निर्धारण। अगला प्रश्न, पाठशाला समाज का लघु रूप है। किसने कहा था? गांधी ने, जॉन डीवी ने, मुदालियर आयोग के अनुसार या कोठारी आयोग ने? सही उत्तर है बी, जॉन डीवी। जॉन डीवी ने कहा कि पाठशाला जो है समाज का लघु रूप है। 15वां प्रश्न, विद्यालय योजना का मूल्यांकन किया जाता है। सही उत्तर है सी, ए व बी दोनों, वार्षिक और अर्धवार्षिक। 16 नंबर है, सह शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से शामिल नहीं है, प्रार्थना सभा, स्काउट गाइड, शिक्षण सहायक सामग्री या बाल सभा। सही उत्तर है सी, शिक्षण सहायक सामग्री इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। 17वां और आखिरी प्रश्न है, संस्थागत नियोजन करते समय निम्न में से किसका ध्यान रखना चाहिए? संस्था के लक्ष्यों और उद्देश्यों का पूर्व निर्धारण हो इस बात का, संस्था के संसाधनों का अधिकतम उपयोग संभव हो, संस्था के मानवीय भौतिक एवं आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता का पूर्वानुमान या सभी। तो सही उत्तर है इसके अंदर डी, सभी का ध्यान रखना चाहिए। तो शुक्रिया दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सभी मित्रों को, आपके जितने भी ग्रुप्स हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सभी जगह शेयर करें। और चैनल पर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने अभी तक, तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा लें ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें उसकी भी सूचना आपको मिलती रहे। और जल्द ही हिंदी का एक और मॉडल पेपर तैयार हो रहा है, वो भी जल्द ही डाल दिया जाएगा।